नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके सामने एक हम कह सकते हैं कि पाम रीड करने वाले हैं, और ये पाम में कुछ नेगेटिव साइन है और कुछ पॉजिटिव साइन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पामिस्ट्री से नॉलेज हो सके। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं पामिस्ट्री में, तो पूरा पाम को हम रीड करने वाले हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और साइन मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिंगर्स की लेंथ से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और सबसे आखिर में जो है हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरे पाम का जो है इस तरह रीड हम कंप्लीट करेंगे। तो साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अपनी स्क्रीन के सामने जो है पिक काफ़ी क्लियर है और काफ़ी जो हाथ है वो स्क्वायरिश बन रहा है। हाथ अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है और फिंगर्स की लेंथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनके हाथ में, क्योंकि फिंगर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और कह सकते हैं कि हथेली के इक्वल हो रही हैं। तो चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं अगर मेहनत करें, और ऐसा हाथ अगर आप देखें किसी का फिंगर्स की लेंथ काफ़ी लंबी हो, तो ऐसा जातक कह सकते हैं कि ऐसा जातक पार्टनरशिप के बिजनेस में काफ़ी अच्छा करता है, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिक्स में ऐसा जातक काफ़ी अच्छा करता है। और अगर जातक के सामाजिक कार्य को देखा जाए, ऐसा जातक उस कार्य में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है और मेहनत भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। चलिए फिंगर की अप्रॉक्स यहाँ पर लेंथ हम देखते हैं क्या बता रही है। देखिए, फिंगर्स जो है सभी पॉइंटर हैं, सभी यहाँ पर बड़ी हैं, किसी फिंगर में मुझे टिल्टेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर देखिएगा आप यहाँ पर जो बृहस्पति की फिंगर है और सूर्य की फिंगर है, ये काफ़ी अच्छी ऊंचाई लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको नज़र आएगी और कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी ऐसे जातक में रहती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो लीडिंग क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि अगर ऐसा जातक खुद का प्रोफेशन करे, खुद का बिजनेस करे, तो उससे ऐसे जातक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो इनकी बुध की फिंगर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। हालांकि फर्स्ट वेरेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लंबाई में अच्छी है। अगर फर्स्ट वेरेंस तक पहुँच जाती या फिर उसके पार चली जाती तो वो चीज़ और भी पॉजिटिव हो जाती, लेकिन बोलने की क्षमता ऐसे जातक में ठीक होती है और थोड़ा सा हल्का सा शर्मीलापन रहता है, क्योंकि फर्स्ट वेलेंस तक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन बोलने की समझ और बौद्धिक क्षमता यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और उसके हिसाब से आपको जो इनके सबसे अच्छा फिंगर इनकी नज़र आई मुझे, वो शनि की फिंगर नज़र आई। जो अगर शनि की फिंगर लंबी हो, काफ़ी ज़्यादा लंबाई ली हो है, तो ओल्ड एज में जाकर ऐसे जातक को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब वो 50 क्रॉस करता है या फिर कह सकती 48 एज क्रॉस करता है, तो ऐसे जातक के उस पीरियड में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिंगर्स में आपको सभी फिंगर्स में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें और काफ़ी छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें भी ऐसी दिखेंगी जो फिर देख पा रहे हैं आप। और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फिंगर्स की लेंथ देख के भी लग रहा था कि ऐसा जातक पार्टनरशिप के बिजनेस में काफ़ी अच्छा होगा, और ऐसे जातक का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है और फिंगर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइनें आपको नज़र आएंगी। तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और कह सकते हैं कि फ्रेंड्स में काफ़ी अच्छा इनका नाम यहाँ पर है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे माउंट्स की तरफ। माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, चलिए ये जो माउंट्स हैं आपको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पर। देखिए, ये माउंट आपको दिख रहे होंगे, जो माउंट्स हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन इनका जो बृहस्पति माउंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसके ऊपर लाइनें काफ़ी अच्छी हैं। आपको दिख रहा होगा जो ऐसी लाइनें आपको बन रही हैं, ये यहाँ पर जो है सामाजिक कार्य को दर्शाती हैं, और ऐसी लाइनें जो हैं वो दया भावना को दर्शाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी दयालु होता है और समाज में कुछ ना कुछ करने, अच्छाई करने की भावना ऐसे जातक में रहती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम बृहस्पति जो इनका वीनस माउंट है अच्छा है उभार लिए हुआ है, इसके ऊपर लालिमा है, तो ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, लेकिन सामाजिक कार्य काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये करेंगे। लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं शनि माउंट देखूँ तो शनि माउंट थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जातक के थोड़ी सी जब अगर शनि माउंट दबा हुआ हो,
लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय चांस रहते हैं 35 के बाद यहाँ पर होने के चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इसके ऊपर आपको देखिए काफ़ी लाइनें दिखेंगी जो बताती हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपकी फिंगर्स देख के बता दिया था कि ओल्ड एज इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो यहाँ पर पीरियड है इनका 45 से लेकर जो जितने भी यहाँ पर लाइफ लाइन है या 70 तक जाएगी, उसके बाद का पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा बेहतर होने वाला है, क्योंकि लाइनें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर मैं सूर्य माउंट की बात करूँ तो सूर्य माउंट थोड़ा सा आपको हल्का सा दबा हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको हल्का एक सूर्य लाइन नज़र आएगी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 तक पहुंच रही है, 43-44 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद ही इनका भाग्य उदय होना स्टार्ट होगा और 35 के बाद चीज़ें अच्छी होने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य रेखा है इस एज को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। देखिए इनके अंदर एक आपको विद्या की रेखा भी नज़र आएगी जो बताता है कि काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है ऐसा जातक, और अगर अपने कोई प्रोफेशन में है या फिर कोई ऐसी चीज़ें करता है जो उसके दैनिक कार्य को या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य को या फिर कह सकते हैं कि जो पैसों की यहाँ पर जरूरत होती है, तो ऐसे जातक जो नॉलेज है उसके अंदर काफ़ी अच्छी होती है, तो नॉलेज की रेखा इनके अंदर हाथ में मुझे नज़र आ रही है। तो अगर इनके बुध माउंट को देखें तो बुध माउंट के ऊपर मुझे एक मंदिर से स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, काफ़ी कमी हाथों में मुझे ऐसे स्ट्रक्चर जो है साइन नज़र आते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक मंदिर सी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी, ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है जो मैंने शुरू में इनकी फिंगर्स देखकर यहाँ पर बता दिया था। और जो अगर ये बिजनेस करता है अपना खुद का बिजनेस करें, और वो बिजनेस पार्टनरशिप से लेकर हो या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें किसी और के साथ की ज़रूरत हो, तो काफ़ी अच्छा इनके लिए होगा। और ख़ास तौर पर जिनके बुध के ऊपर काफ़ी अच्छा एक मंदिर का साइन बन रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ऐसे क्षेत्र में कर सकते हैं। देखिए आपको ये काफ़ी कमी हाथों में दिखेगा तो यहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम लाइन को चेक करेंगे, लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में अब क्या यहाँ पर बता रही हैं। चलिए मैं जूम इन करूँगा थोड़ा सा। वैसे अगर मैं शुक्र माउंट की बात कर लें, शुक्र माउंट भी आपको अच्छा दिखेगा, अच्छा उभार लिए हुए दिखेगा, लेकिन जो है जो चंद्र पर्वत है वो भी उभार लिए हुए दिखेगा। इसके ऊपर आपको एक फॉरेन सेटलमेंट की लाइन आपको नज़र आएगी। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, देखिए जूम करूँगा। देखिए एक फॉरेन सेटलमेंट की लाइन आपको दिख रही होगी। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए एक लाइन यहाँ पर निकल रही है और ये इनके भाग्य रेखा से यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, तो किसी ना किसी एज में ये बाहर जाएंगे और फॉरेन सेटलमेंट के यहाँ पर योग यहाँ पर इनके हाथ में बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम लाइनों को चेक करते हैं, मेन लाइन इनके हैं। जैसे इनकी लाइफ लाइन आप देखें, लाइफ लाइन कुछ ऐसी चलती हुई नज़र आ रही है आपको, कुछ ऐसी बनती हुई अंदर की तरफ यहाँ पर झुकाव है, तो पारिवारिक सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, पारिवारिक जातक यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब पारिवारिक नेचर वाला, और लाइफ लाइन काफ़ी लंबी दिख रही है, और लाइफ लाइन यहाँ पर 90 प्लस यहाँ पर एज मुझे दिख रही है। एक देखिए एक आपको राहु लाइन जो नज़र आएगी, कुछ लाइनें हैं जो कह सकते हैं कि देखिए एक इस एज में एक राहु लाइन आपको काट रही है। ये जो एज बन रही है कम से कम इसको मान के चले 24 से 23 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है। इनको हेल्थ इश्यूज उस एज में आए होंगे और कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ होगा हेल्थ रेट, और उसके बाद एक लाइन में कहूँगा नीचे की तरफ यहाँ पर जा रही है और ये यहाँ पर प्रभाव कर रही है केयर लाइन को। और अगर लाइन में देखिए, मैंने काफ़ी हाथ में बताया है कि लाइनें अगर ऊपर की तरफ उठती हैं वो यहाँ पर सही मानी जाती हैं, लेकिन जो लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन से नीचे की तरफ यहाँ पर जाती हैं वो उसको नेगेटिव माना जाता है। तो कुछ इनके फैसले इनको नुकसान किए होंगे, ये जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम यहाँ पर इसको मान के चलें 26 से 27 या फिर 30 की एज मान सकते हैं, इस एज में कुछ इनको परेशानी होगी और ये फैसले जो करेंगे उससे नुकसान इनकी हो सकता है, इनके कैरियर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। अगर बात करें
आगे इनका फ्यूचर कैसे चलेगा, देखिए कुछ आपको हल्की हल्की जो है लाइनें दिखेंगी, जो प्रोग्रेस लाइनें हैं, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बढ़ रही है, और ये प्रोग्रेस लाइन जो है इनके कह सकते हैं कि मनी लाइन जो यहाँ पर कैरी लाइन है उससे ऐड हो रही है। जो ये प्रोग्रेस लाइन बन रही है ये यहाँ पर कम से कम अगर 48 और 49 की एज में यहाँ पर बन रही है। जैसे मैं आपको बताया था कि इनका जो कह सकते हैं कि जो शनि क्षेत्र था उसके ऊपर लाइनें यहाँ पर दिख रही थी जो उस एज में ही बनती हुई नजर आ रही थी, तो ये भी यहाँ पर वही इंडिकेशंस है। इनका काफ़ी हद तक जो पॉजिटिव लाइफ होगा वो 48 के बाद ही जो आगे वाला पीरियड है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो प्रोग्रेस लाइन है ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली प्रोग्रेस लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट करेगी। फिश की स्ट्रक्चर भी बन रही है इनके हाथ में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये फिश की स्ट्रक्चर भी लास्ट लाइन में आपको बनती हुई नजर आएगी जो फॉरेन सेटलमेंट को तो बताता है। और एक और लाइन आपको एक और लाइन दिखेगी, देखिए एक लाइन तो ये रही प्रोग्रेस लाइन और ये लाइन यहाँ पर ये रही, दो लाइनें आपको नजर आएंगी और ये दोनों का मुख जो है ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बुध की तरफ है। तो बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े फायदे इस एज में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एज बन रही है ये कम से कम 49-48 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है, ये जो एज बन रही है यहाँ पर 65 के अराउंड यहाँ पर बन रही है या फिर 70 के अराउंड बन रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका जो बुढ़ापा है या फिर ओल्ड एज है काफ़ी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनकी कैरियर लाइन को चेक करेंगे। ये कैरियर लाइन जो है आपको ऐसी नज़र आ रही है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आ रही है देखिए, लेकिन इस एज के बाद इस एज में कुछ स्ट्रगल इनको लाइफ में है। देखिए कुछ लाइन जो हैं इनकी ठीक हैं, कह सकते हैं कि 30 तक सब कुछ सही चला या फिर 28 तक सही चला, लेकिन उसके बाद जो है लाइन थोड़ी सी मिस है और उसके बाद लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है इस एज में। तो कुछ स्ट्रगल जो है 4-5 साल और यहाँ पर स्ट्रगल है और कह सकते हैं कि इस एज में कुछ स्ट्रगल इनको होगा। कम से कम जो एज बन रही है 28 से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 तक कुछ स्ट्रगल है, उसके बाद जो है लाइनें कंटिन्यू हो रही हैं, उसके बाद इनका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, जो कुछ चाहते हैं ये कर पाएंगे जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो इनकी ये लाइन थी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जो ये लाइन थी इनके कैरियर को भी डिस्टर्ब कर रही थी। ये लाइन ऐसे काट रही है, इस लाइन यहाँ काट रही है, जो एज बन रही है कम से कम 28-29 की अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है और ये जो एज बन रही है कम से कम 30 के अराउंड बन रही है। तो इस एज में कैरियर रिलेटेड इश्यूज इनको आए होंगे, पैसे से रिलेटेड इशू आए होंगे, हाथ में तंगी पैसों की जरूर होगी और कुछ फाइनेंशियल लॉस भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो है लाइनें कंटिन्यू हो रही हैं 35 के बाद और इसमें कोई और भी यहाँ पर अड़चन मुझे नज़र नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनकी माइंडलाइन को चेक करते हैं, माइंडलाइन क्या बता रही है। देखिए माइंडलाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको नजर आएगी जो बताता है काफ़ी है शार्प माइंड और काफ़ी है डिटरमाइंड माइंड और प्लानिंग से चलने वाला जातक यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको मैं बेस्ट लाइन मानूंगा और इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक आपको हल्का सा क्रॉस बनता हुआ नज़र आएगा जो बताता है कि ऐसे जातक जो है बाहरी नॉलेज, जैसे हम मिस्टी की नॉलेज कह लें, जादू टोना की नॉलेज कह रहे हैं, जो यहाँ पर बाहरी वर्ल्ड वाली नॉलेज है उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है और इसी जैसे जाते कि जो सिक्स सेंस होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं इनकी हॉटलाइन को चेक करें तो हॉटलाइन कुछ आपको यहाँ पर ऐसी बनती हुई शो हो रही है जो यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर को शो हो रहा है और प्रैक्टिकल के साथ इमोशनल भी है, लेकिन देखिए कुछ हैं यहाँ पर इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये इशू नहीं कहूँगा, थोड़े से मैं रिलेशनशिप में सेटबैक्स कहूँगा। जो लाइनें यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर जाती हैं, जो रिलेशन में थोड़ी सी कड़वाहट यहाँ पर इस एज में होगी और ये जो एज यहाँ पर बन रही है यहाँ पर कम से कम 28 से यहाँ पर 35 के अराउंड यहाँ पर बन रही है, लेकिन यहाँ पर मेजर हेल्थ इशू जो है मुझे नज़र नहीं आया है। अगर मनी की बात करें, मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में प्रॉक्स बनता हुआ आपको नज़र आएगा जो बताता है कि पैसे की कमी नहीं है और आगे भी जो चल कर जो है पैसा काफ़ी अच्छा आएगा और पैसा जो काफ़ी जमा भी इनके हाथ में होगा। चलिए और भी साइन देखते हैं इनके हाथ में, पूरा हाथ का मैंने विश्लेषण कर दिया है और कुल मिला के जो मैंने आपको बताया है इनका जो ओल्ड एज है कम से कम 45 के बाद चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सब कुछ इनके लिए अच्छा होगा
और इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पार्टनरशिप का बिजनेस जरूर करें या फिर अपना खुद का बिजनेस जरूर करें किसी की सहायता से। और इनके हाथ में विदेश योग भी मुझे नज़र आए हैं, लेकिन अपने फैसलों को जो लेकर ये चलते हैं, फैसले थोड़े से ध्यान से करें कि जो लाइन है यहाँ पर आपको जो नज़र आई थी ये यहाँ पर 28-29 के अप्रॉक्सी बन रही है, तो इस एज में कुछ यहाँ पर दिक्कतें इनको हो सकती हैं जो ऐसे फैसले ले और ये इनको नुकसान हो सकता है। तो ये पूरा प्रेडिक्शन था। मुझे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और पामिस्ट्री से नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने अपना पाम रीड करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के नीचे दिया होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।